14 दिसंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर इसका विकास करना है। माँ की ममता है हिंदी और पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी और भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदी तो हमारे देश का गौरव है और हमारा मान है, इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी को ना केवल हिंदी आनी चाहिए बल्कि उसे हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए। कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा है, हिंदी है प्यारी हमारी, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध और महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश की तरफ रुख कर रहे हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन गैर सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग है जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी की पहचान हमारी। हिंदी भाषा लिपि की देवनागरी है जो विश्व के सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा।